हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। और आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो वीडियो है पाकिस्तानी खतरनाक और खुफिया हथियार। तो पाकिस्तान के पास कौन कौन से जो डेंजरस वेपन्स हैं और जो खुफिया हैं जिनके बारे में, जिन वेपन्स के बारे में पब्लिकली बताया नहीं जाता है। तो ठीक है, ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए भी, क्योंकि बाकी सारी वीडियो हमने किए थे उसमें काफ़ी सारे वेपन्स थे, हमने देखे थे, पर शायद ये वीडियो इसमें कुछ ऐसे वेपन्स भी बताएगा जो नॉर्मली उसकी बात नहीं की जाती और नॉर्मली डाउट किया जाता है कि यार इस कंट्री के पास ये नहीं हो सकता है ना। तो होप सो थोड़ा आइडिया लगेगा वीडियो में देखे कि किस टाइप के वेपन्स हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए और आप सीधा हमसे जुड़ जाए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है और आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं और एक फैमिली जैसा फील होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा सपोर्ट करने के लिए, होप सो आगे भी आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, तो मनु स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिलचस्प मालूमात पर। दोस्तों, पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुनिया में ना तो इंडिया के पास है, ना अमेरिका के पास है और ना ही इसराइल के पास होंगे। इसलिए जैसे भी हालात हों, पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन तरीन काम है। आज हम ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के खुफिया हथियारों के हवाले से बात करेंगे जिनका इल्म आज तक बहुत कम लोगों को है। पाकिस्तान ने अपने इन खुफिया हथियारों को आज तक ऐलानाती तौर पर लॉन्च नहीं किया और ना ही पाकिस्तानी फौज इनकी तस्दीक करती है, मगर वक्फे वक्फे से ये हथियार खबरों की जीनत बनकर दुश्मन की नींदें उड़ाते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के 10 सबसे बेहतरीन और खुफिया हथियारों की बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपको कोई दूसरा चैनल नहीं बता पाएगा। इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी सभी नए देखने वालों दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, हमारे पास पहले नंबर पर है तैमूर मेज़ाइल। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर नामी बैनुल बरेआज़मी मेज़ाइल बना चुका है जो 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिन हथियार से अमरीका सख्त परेशान है। अमरीका की इस परेशानी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इकदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के इवज अपने मिसाइल की रेंज को कम करने के सिलसिले में बात की थी, जिसे साबक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल रहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया। अमरीका की ख्वाहिश थी कि इमदाद के इवज पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक कभी ना पहुँच पाए और इस मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार। पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर खुफिया तरीन हथियार दुनिया के सबसे छोटे एटमी हथियार को तसव्वुर किया जाता है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक अजलास के दौरान अमरीकी अहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमरीकी अहदेदार सख्त परेशानी में मुबतला हो गए। गो के परवेज मुशर्रफ ने अमरीकियों के सामने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियार के होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है। नंबर 3 पर है कमर्शियल तैयारों में एटम बम गिराने की तरमीम। इंतहाई मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर चंद कमर्शियल तैयारों में ऐसी तब्दीलियाँ की हैं या करने का इरादा रखता है जिनकी बदौलत ज़रूरत पड़ने पर इनके जरिए किसी भी दुश्मन मुल्क में हिरोशिमा और नागासाकी तर्ज का एटमी हमला किया जा सकता है। और इन त्यारों में की गई तब्दीलियों का डिज़ाइन इस कदर मुखसिर है कि कोई त्यारा साज कंपनी इस मामूली तब्दीली के पीछे छुपा राज कभी नहीं समझ पाएगी। नंबर 4 पर है हाइड्रोजन बम। एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतालिक फौज की जानब से कोई भी बयान सामने नहीं आया, तो दुश्मन के दिलों में वहशत पैदा करने वाला यह हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर आता है। बाज़ अमरीकी माहरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को फरोख्त की थी।
नंबर 5 पर है स्टील्थ न्यूक्लियर टारपेडो। टारपेडो एक ऐसा हथियार होता है जो जेरे समुंदर आप दोस्त की तरह सफर करके समुंदर में मौजूद किसी बहरी बेड़े या आप दोस्त को अपनी तबाही का निशाना बनाता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम टारपेडो की तरह एटम बम से लेस एटमी टारपेडो भी तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन के वसी और रीज बंदरगाहों पर या समुंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाजे रहे कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टारपेडो का कामयाब तजर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान के पास नंबर 6 पे आने वाला खुफिया हथियार है सोलर ड्रोन। 2015 में यह खबर अखबारात की जीनत बनी, जिसमें बताया गया था कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के तालब इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार कर लिया है, और ये इतलाआत भी मिली थी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जेर निगरानी सोलर ड्रोन प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। बाद अजां इस खबर को मंजरनामे से बिल्कुल गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस अहम प्रोजेक्ट को अभी तक खुफिया तौर पर सरंजाम दिया जा रहा है। वाजे रहे कि सोलर ड्रोन्स मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट्स की जगह ले लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन्स कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल और खुदकार तरीके से परवाज कर सकते हैं और दुश्मन के इलाकों से मुतल्लक अहम मतलूबा मालूमात पहुंचाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास नंबर 7 पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस हथियार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन सिस्टम ऐसे हथियार को कहा जाता है जो नहायत खामोशी से दुश्मन के किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मवासलाती निज़ाम को सिर्फ एक सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्त में दरहम बरहम कर सकता है। मतलब ये हथियार नहायत खामोशी से दुश्मन के बिजली पर चलने वाले तमाम तर निज़ाम को मफलूज कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिज़ाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिज़ाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निज़ाम शामिल हैं। कुछ अरसा पहले इससे मुतल्लक खबरें भी मीडिया की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इस पेचीदा और मुश्किल तीन टेक्नोलॉजी को ईजाद करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि बाद अजां इस खबर को भी मंजरनामे से बिल्कुल गायब कर दिया गया। नंबर 8 पर है पाकिस्तान का खुफिया लेज़र हथियार। पाकिस्तान आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किद फौजी जंगी मशकों में लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के टैंकों के इंजन बंद करने का अमली मुजाहरा किया, जबकि इस मौके पर जनरल इशफाक परवेज कियानी भी मौजूद थे। लेकिन अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी में खातर खां कामयाबियाँ समेट ली हैं और मुख्तलिफ इकसाम के लेज़र हथियार तैयार कर लिए हैं। इन हथियारों को भी अभी तक खुफिया ही रखा गया है। 9वें नंबर पर है हीट सिग्नेचर को छुपाने वाला नेट। ये भी खबर है कि पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी अनथक काविशों से एक ऐसा जाल तख्लीक कर लिया है, जिसे अगर किसी किस्म के असला एटम बम या किसी भी एटमी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो ये जाल जदीद तरीन अमरीकी, इसराइली और रूसी रेडार्स और सेटेलाइट की नज़रों से इन चीज़ों को महफूज बना सकता है। गुज़िश्ता सालों में भारत ने इसराइल से ऐसे ड्रोन और दीगर साजो सामान खुफिया तरीके से हासिल किया है जो ज़ेर ज़मीन बंकर्स में मौजूद असला और दीगर अशिया की निशानदही करने की सलाहियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिन टेक्नोलॉजी से ये तमाम तार दुश्मन के किसी काम में नहीं आने वाली। हमारे पास आखिरी नंबर यानी नंबर 10 पर है मजबूत तरीन आर्मर। 2003 में जब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर अमरीकी M1 अब्राहम टैंक इराक की गलियों में दंतनाते और तबाही फैलाने लगे, तो इराक भर में फैले मुजाहिदीन सर तोड़ कोशें करने के बावजूद इन अमरीकी टैंकों को मौसर हमलों के बावजूद भी तबाह नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द ऐसी मजबूत तरीन धात को लगाया गया था जिस पर हर तरह का हथियार बेअसर साबित हुआ। बाद अजा मालूम हुआ कि वो धात दरअसल यूरेनियम के मरकब से बनाई गई दुनिया की मजबूत तरीन और खुफिया रखी जाने वाली धात है। इतलाआत हैं कि पाकिस्तान आर्मी के जेर इंतज़ाम खुफिया लेबार्टरीज और रिसर्च सेंटर्स में इस धात को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की सख्त तरीन धात होने की वजह से इस धात के टुकड़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइलों के निचले हिस्से यानी रॉकेट बूस्टर के थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस धात की तख्लीक और इसके इस्तेमालात को भी अभी तक खुफिया रखा गया है। नाजरीन ग्रामी, जैसे भी हालात हों, पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन तरीन काम है, इसलिए अब दुश्मन को भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ किसी भी हाल में पंगा नहीं लेना, वरना बर्बादी उनका मुकद्दर हो जाएगी। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के वो हथियार जिनकी बदौलत दुश्मन कभी भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता।
और अगर दुश्मन मैली आंख से देखने की गलती कर बैठे तो इनमें से कोई ना कोई हथियार दुश्मन के मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर अपने अजीज़ो अकारब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सारे अलग ही थे, मतलब यूनिक थे। जैसे एक तैमूर के बारे में पता था, तैमूर के बना आपने देखा था, और मेरे को उसी के बारे में, बाकी नौ मेले सब न्यू थे मेरे लिए। कौन कौन सा था नाम तो मेरे को याद नहीं, पर हाँ पता था। तो सबसे सेकंड नंबर पे आया था छोटा वाला, ठीक है, न्यूक्लियर बम। हाँ, छोटे छोटे न्यूक्लियर बम। वो एक वीडियो देखा था मैंने, पाकिस्तानी में कोई मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि ऐसे पापा पर के बम है, उसमें काफ़ी मेम्स बन गए हैं, काफ़ी ऐसे जोक्स बने थे। पता नहीं ऐसे बम है या नहीं, पर छोटे छोटे बम ऐसी टेक्नोलॉजी तो होती है, होती हाँ है। वो पर्टिकुलर किसी एरिया में गिराएंगे ऐसे नहीं गिराएंगे, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। चलो वो तो पॉलिटिकल बातें थी, उनकी बातों को मैं आगे नहीं ले जाता। पर हाँ, जब कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ के बीच में आपस में इतना झगड़ा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो जाहिर है जो देश होते हैं, कंट्रीज़ होती है, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है जिससे कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज लाए और दो एक कंट्री से आगे निकले, तो ये फिर होड़ लग जाती है हथियारों की। फिर एक कंट्री वो कंट्री खरीदती रहती है और फिर वो हर कंट्री में जो जो भी सिस्टम होते हैं, डिफेंस होते हैं, वो फिर बताया जाता है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। और जब मेरे हिसाब से प्रेम मोहब्बत होना चाहिए ताकि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। कहाँ किसी को हरा के क्या मिलेगा, आज के टाइम में जंग कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं जीत सकता। अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो, दोनों हारेंगे, दोनों ही हारेंगे। मैं एक बिल्कुल पक्का बोल रहा हूँ, दोनों ही हारेंगे, कोई नहीं, इसमें कोई जीत ही नहीं सकता। कहते हैं ना जंग जीत गए, जंग कभी ही कोई नहीं जीतता है, उसमें हार ही हार मिलती है, लोगों की जान जाती है, काफ़ी नुकसान होता है, डेवलपमेंट ग्रोथ रुक जाती है, और आने वाले उसका इफ़ेक्ट आने वाले 100 साल तक होता है, क्योंकि जो माइंडसेट होता है देश के लोगों का और वो बदल जाता है, वो फिर अगली कंट्री को दुश्मन ही मानते हैं। अब आप ही देखिए ना, आज इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। जिन लोगों ने दुश्मनी शुरू की थी, मान लीजिए वो कैसे भी शुरू हुई, मैं इसमें नहीं बोलूँगा कि किसी एक की गलती थी या दूसरे की गलती नहीं थी, कैसे भी शुरू हुई, कुछ भी हुआ, वो लोग तो आज मेरे हिसाब से ज़िंदा नहीं होंगे। काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई, तीसरी पीढ़ी आ गई ना, जनरेशन चेंज हो गई, लेकिन दुश्मनी वही है, मन में उबाल वही है बहुत से लोगों के बीच में। तो ये चीज़ वो होनी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि जब झगड़ा होता है तो वो फिर पीढ़ियों चलता रहता है, परिवारों में झगड़ा होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, फिर देशों में झगड़ा होता है वो भी फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो हम ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं तब भी ऐसी चीज़ होती है। चलो ये तो मेरा एक पॉइंट था अबाउट वॉर के बारे में कि नहीं होनी चाहिए। आपका क्या थॉट है जंग के बारे में, आप बताना कि जंग कभी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाकी बात करते हैं जो वेपन्स हैं उसमें, बिल्कुल ऐसे वेपन्स होंगे पाकिस्तान के पास में, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि यार आज से जो 40-50 साल पहले जो वेपन्स है वही होंगे। हाँ, डेवलपमेंट होता है और टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है। पहले हम टीवी देखते थे ब्लैक एंड वाइट, आज एलईडी में देखते हैं, प्लाज्मा आ गई है, तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। मोबाइल होना एक सपना हुआ करता था, आज हर किसी के पास मोबाइल है, घर में हर किसी के घर में 3-4 मोबाइल ऐसे होंगे जो अनयूज्ड होंगे, ऐसे पड़े होंगे। तो इन चीज़ों में भी तो चेंजेस आए होंगे, क्योंकि इस पर तो काफ़ी सारा फोकस होता है। तो साइंटिस्ट होते हैं और वो हमेशा रिसर्च करते ही रहते हैं। तो जो वेपन्स है उसमें यूरेनियम का यूज़ किया गया था, उसमें टैंक्स में धात वर्ड यूज़ किया, उसको धातु पढ़ते हैं अपन हिंदी में, धातु पदार्थ, धातु। तो उसका नाम है यूरेनियम, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, धातु है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें होगी पाकिस्तान के बारे में। और उन्होंने बोला कि इंडिया ने वहाँ से ये ख़रीदा, हमें नहीं पता कि इंडिया ने क्या ख़रीदा, क्या नहीं, इसराइल से क्या ख़रीदा किया, ऐसी ऐसे कुछ इक्विपमेंट खरीदे। तो मैं यही मानता हूँ कि हर कंट्री के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा ही हम देख पाते हैं, दूसरा चेहरा जो हमारी जो एजेंसियाँ होती है, जो आर्मी होती है, और जो देश की रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी भी है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। अगर हर चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी तो हर एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंडेम करेगी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, अमेरिका है, रशिया है, रशिया तो नहीं है, अमेरिका है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड कंट्री है, वो फिर दबाव बढ़ाती है। फिर वो क्या है कि जो वेपन्स है वो खाने को नहीं देते हैं, फिर खाने को हमें अनाज ही चाहिए, खाने को
लोगों को पहनने के लिए कपड़े कपड़े चाहिए, तो चाहिए। ये सारी चीज़ें बिजनेस से होती है और हर बड़ी कंट्रीज होती है वो बिजनेस करती है। तो हर कंट्री की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आती है, तो इसलिए काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं, जो डेंजर वेपन्स हैं, उनको हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इंटरनेशनली जो बाउंडेशन होती है वो काफ़ी इफेक्ट कर जाती है। क्योंकि मुझे वो पता है न्यूक्लियर वेपन जो इंडिया और पाकिस्तान ने लमसम साथ में किया था, हाँ तो दोनों कंट्रीज़ पे बाउंडेशन लगाई थी अमेरिका ने, फिर दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई थी। हाँ कर रही। मनु को पता नहीं होगा, क्योंकि पहले लोग किसी के घरों में अगर टू व्हीलर भी होना एक बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो आज जो जितनी फैसिलिटी है वो पहले नहीं हुआ करती थी। लोगों के घरों में ये चीज़ होना भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो धीरे धीरे दोनों कंट्रीज़ आगे बढ़े हैं, तो मेरे हिसाब से और भी वेपन्स होंगे, मेरे हिसाब से इसमें और भी कम होंगे वेपन्स कहाँ, होंगे। और भी होंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था वो मुझे थोड़ा यूनिक लगा, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही बंद कर दो, डैमेज कर दो, और मेरे को ऐसा लगा भी था कुछ हुआ प्लेन था। वो सोलर वाला। हाँ, सोलर पैनल प्लेन तो है, ठीक है, क्योंकि इतने सेटेलाइट छूट रहे हैं वो भी सोलर से चल रहा है, ठीक है वो, पर वो यूनिक था, इलेक्ट्रिसिटी वाला है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी वाकई में है, बिल्कुल हम जब वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं तो हाँ इलेक्ट्रिसिटी पे हिट क्यों नहीं कर सकते। ठीक हमने है। बड़े बड़े जो ग्रिड होते हैं, ग्रिड पावर स्टेशन, वो डैमेज होते हैं, सूरज की सोलर जब विंड आती है उससे डैमेज होते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, हो सकती है वाकई में। तो फ्रेंड्स, और भी कुछ ऐसे वीडियोज़ हो आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, हमारी इंस्टा आईडी आपको दिख ही रही होगी, मुझे या मनु दोनों में से किसी एक को सेंड कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ वीडियोज़ हैं जिनके बारे में नहीं जानते हैं और जो आपको लगता है कि हमें जानना चाहिए, ऐसे वीडियोज़ आप हमें सेंड करें हमारे इंस्टा आईडी पे, हम बिल्कुल श्योर। और काफ़ी रिएक्ट सारे करेंगे। वीडियोज़ पे अपन रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी, पर हाँ हम धीरे जितना भी धीरे हमें टाइम सबको मिलता है है हम धीरे धीरे सबको हम समय देते हैं। करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करते रहिए, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट 99 है, कहीं 1% कहीं ना नेगेटिव। कहीं कोई गुस्सा है इंडिया से या फिर हमसे या कुछ भी हो, तो उसकी न उनकी नफ़रत भी धीरे धीरे खत्म हो ख़त्म हो जाए, हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लाइक कर दीजिए दीजिए। और हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय।